नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमसीबी के बारे में। ठीक है दोस्तों, हमने एक वीडियो पहले भी अपलोड की थी कि एमसीबी क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, उसमें हमने ये तो आपको बता दिया था कि एमसीबी कितने टाइप की होती है, जैसे कि बी सी डी इस तरह से। तो अब हम बात करने वाले हैं कि आपके घर में जो है आपको कौन सी एमसीबी लगानी चाहिए और कितने लोड पर हमें कितने एम्पेयर की जो है एमसीबी लगानी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको भी अपने घर में एमसीबी लगानी है या फिर एमसीबी लगाने में कोई दिक्कत आती है या आपकी एमसीबी बार बार ट्रिप होती है या जल जाती है, तो आप भी इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों कैलकुलेशन के बाद आप भी यदि अपने घर में सही एमसीबी का चुनाव कर लेंगे तो आपके भी जो है काफी सारा फायदा हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एमसीबी कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, एमसीबी 5 प्रकार की होती है, बी टाइप, सी टाइप, डी टाइप, के टाइप और जेड टाइप। ठीक है दोस्तों, अब यह बात तो आपको पता है कि एमसीबी हमारी जो है 5 प्रकार की होती है, लेकिन आपको क्या यह पता है कि यह कौन सी एमसीबी हमारी कहां पर यूज होती है? तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं बी टाइप एमसीबी की। तो दोस्तों, बी टाइप एमसीबी जो है यह हमारी घरों में भी इस्तेमाल होती है। दोस्तों, बी टाइप एमसीबी में उसकी कैपेसिटी से यदि हम 3 से 5 गुना करंट निकाल देते हैं तो वह हमारी एमसीबी जो है 0.04 से 13 सेकंड के बीच में ही ट्रिप हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सी टाइप एमसीबी के बारे में बात करें तो सी टाइप एमसीबी का इस्तेमाल जो है हमारे घरों में होता है और काफी सारी कंपनीज वगैरह दुकानों वगैरह में भी इसका इस्तेमाल होता है। और दोस्तों, इसका इस्तेमाल जो है एसी इंडक्शन मोटर के लिए भी होता है। तो दोस्तों, अगर सी टाइप एमसीबी में हम कैपेसिटी की बात करें तो यदि हम सी टाइप एमसीबी में 5 से 10 गुना ज्यादा करंट निकाल देते हैं तो यह एमसीबी जो है हमारी 0.04 सेकंड से 5 सेकंड के बीच ही ट्रिप हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अब बात करते हैं डी टाइप की। तो दोस्तों, डी टाइप एमसीबी का इस्तेमाल जो है वेल्डिंग मशीन जैसे उपकरणों में की जाती है, क्योंकि वेल्डिंग मशीन जो है रुक रुक कर चलती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के उपकरण में जो है हमारी डी टाइप एमसीबी लगी होती है। ठीक है दोस्तों, अगर डी टाइप एमसीबी की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो इसमें से यदि हम 10 से 20 गुना करंट ज्यादा निकालेंगे तो यह एमसीबी जो है हमारी 0.04 सेकंड से लेकर 3 सेकंड के बीच में ट्रिप हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने बताया दोस्तों, इसका इस्तेमाल वेल्डिंग मशीन और एक्सरे मशीन जैसे में किया जाता है। तो अब बात करते हैं दोस्तों के टाइप एमसीबी के बारे में। तो दोस्तों, यह एमसीबी को सेंसिटिव एमसीबी भी कहा जाता है, क्योंकि यह काफी कम समय में हमारी ट्रिप हो जाती है। तो दोस्तों, यदि के टाइप एमसीबी की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो यदि इसमें हम 8 से 12 गुना ज्यादा करंट निकाल देते हैं तो यह हमारी मात्र 0.01 सेकंड में ही ट्रिप हो जाएगी, मतलब कि यह 1 मिलीसेकंड से भी कम समय में हमारी ट्रिप हो जाती है। और अब बात करते हैं दोस्तों जेड टाइप एमसीबी के बारे में। तो दोस्तों, जेड टाइप एमसीबी जो है हाई सेंसिटिव एमसीबी होती है, क्योंकि यह काफी कम समय में ट्रिप होती है, पर साथ ही साथ काफी छोटे फॉल्ट में भी यह सेंस कर लेती है। यानी दोस्तों, काफी सारे हमारे छोटे फॉल्ट होते हैं, जैसे कभी कभार हमारा जो है आगे की तरफ कोई फॉल्ट हो जाता है तो उसको भी जो है ये सेंस कर लेती है और हमारी एमसीबी जो है ट्रिप हो जाती है और हमें सुरक्षा देती है। ठीक है दोस्तों, और जेड टाइप एमसीबी की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो दोस्तों 2 से 3 गुना करंट यदि हम इसमें से निकालेंगे तो यह एमसीबी जो है 0.01 सेकंड में ट्रिप हो जाएगी। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इनमें से हमारे घर में कौन सी एमसीबी यूज होती है। तो दोस्तों, इनमें से मैं आपको बता दूं कि जेड टाइप और के टाइप जो एमसीबी हमारी होती है, इनका इस्तेमाल हमें कभी भी हमारे घर में नहीं करना चाहिए। जैसे कि हमने बताया, जेड टाइप एमसीबी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होती है और के टाइप एमसीबी भी हमारी बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, तो इनका इस्तेमाल जो है हमें अपने घर में नहीं करना चाहिए। तो हमारे घर में जो एमसीबी यूज होती है वो दोस्तों हमारी या तो बी टाइप एमसीबी होती है और या फिर डी टाइप, और सबसे ज्यादा जो हमारे घरों में यूज होती है वो लगभग सी टाइप एमसीबी होती है, क्योंकि दोस्तों सी टाइप एमसीबी जो हमारी बढ़िया रहती है। ठीक है दोस्तों, हमारे घर में भी हमने काफी जगह पर सी टाइप एमसीबी ही यूज की है। तो इनमें से के और जेड टाइप एमसीबी को आपको यूज नहीं करना है अपने घर में। आप चाहे तो सी टाइप एमसीबी अपने घर में बड़े ही आसानी से यूज कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस दोस्तों, आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपके घर का लोड कितना है और उस पर आपको कितने एम्पियर की एमसीबी लगानी है। तो इस बारे में भी दोस्तों हम बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए आपके घर का लोड जो है 1000 वाट है, यानी 1 किलोवाट है, तो आपको कम से कम 6 एम्पियर की एमसीबी लगानी होगी। ठीक है दोस्तों, और यदि आप कोई अलग से एमसीबी लगाना चाहते हैं किसी उपकरण के लिए तो यह बात भी आपके लिए सेम ही लागू होगी, क्योंकि सभी एमसीबी पर जो है लगाने से पहले आपको लोड जो है वो कैलकुलेट करना होगा। ठीक है दोस्तों, उसी हिसाब से आपको एमसीबी लगानी होगी। यह ना हो कि आप एमसीबी लगा दे 6 एम्पियर की और आप बाद में उसमें से जो है 2 किलोवाट या फिर 3 किलोवाट लोड निकालने की कोशिश करेंगे तो वह एमसीबी जो है बार बार ट्रिप होगी और हो सकता है कि वह जल भी जाए। तो
ऐसा आपको नहीं करना है, आपको पहले लोड कैलकुलेट करके ही एमसीबी लगानी है। तो दोस्तों 1 किलोवाट तक के लोड यदि आप चलाना चाहते हैं तो आप 6 एम्पीयर के एमसीबी यूज कर सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों यदि आप 2 किलोवाट तक के लोड चलाना चाहते हैं तो 10 एम्पीयर के एमसीबी यूज कर सकते हैं, और यदि 3 किलोवाट तक का लोड चलाना चाहते हैं तो 16 एम्पीयर की एमसीबी यूज कर सकते हैं, और 4 किलोवाट तक का लोड चलाना चाहते हैं तो आप 20 एम्पीयर की एमसीबी यूज कर सकते हैं, और दोस्तों 5 किलोवाट तक का लोड चलाना चाहते हैं तो आप 25 एम्पीयर की एमसीबी यूज कर सकते हैं, और दोस्तों यदि आप 7 किलोवाट तक का लोड चलाते हैं तो आपको 25 एम्पीयर की एमसीबी यूज करनी होगी, और 8 किलोवाट का लोड चलाते हैं तो आपको 40 एम्पीयर की एमसीबी यूज करनी होगी, और 10 किलोवाट तक का लोड आप चला रहे हैं कहीं पर, वैसे हमारे घर में जो है 10 किलोवाट तक का लोड नहीं होता है, तो फिर भी मान लीजिए आप कहीं पर हैवी उपकरण चला रहे हैं तो आपको कम से कम 63 एम्पीयर की एमसीबी यूज करनी होगी। तो ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपको जो है लोड कैलकुलेट करके ही अपने घर की एमसीबी यूज करनी होगी। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको पता चल गया होगा कि आपको घर में कौन सी एमसीबी यूज करनी चाहिए और कितने एम्पीयर की एमसीबी जो है वो यूज करनी चाहिए। तो दोस्तों यदि वीडियो के बारे में आपको कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।